हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और रेसिपी गुरु पे आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रिच, क्रीमी और स्पाइसी पिंक सॉस पास्ता की रेसिपी देखने वाले हैं, और हम ये भी देखने वाले हैं कि रेस्टोरेंट्स में जो बढ़िया सी ग्रेवी होती है, यानी कि जो रेड सॉस होता है और वाइट सॉस होता है, वो कैसे बनता है। तो शुरू करते हैं ये पिंक सॉस पास्ता की रेसिपी को। पर उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ की अपडेट मिलती रहे। पिंक सॉस पास्ता बनाने के लिए हम एक पैन में ओलिव ऑयल डालेंगे और फिर हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे और इसे थोड़ा सा भून लेना है। यहाँ पर आप कोई भी आपके मनपसंद वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, लाइक जुकीनी, ब्रोकली, स्वीट कॉर्न, कोई भी आप ऐड कर सकते हो, ये टोटली ऑप्शनल है। अब हम इसमें पास्ता डालेंगे। पास्ता को मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था। पास्ता को बॉईल करने के लिए आपको एक कढ़ाई में जितना पास्ता है उससे 3 गुना पानी डालकर उबलते हुए पानी में नमक और थोड़ा सा तेल मिलाकर फिर इसमें पास्ता को उबाल लेना है। पास्ता को 80% तक ही बॉईल करना है। अगर ज़्यादा पक जाएगा तो ग्रेवी डालने के बाद ये टूट ही जाएगा, तो एक वो चीज़ याद रखनी है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, वाइट सॉस डालेंगे और रेड सॉस डालेंगे। ये व्हाइट सॉस और रेड सॉस बनाने की रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और ऊपर इन्फो बॉक्स में भी दी गई लिंक पर जाकर भी आप देख सकते हो। अब पास्ता को थोड़ा स्पाइसी करने के लिए हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो। पास्ता में जो हमने ये वाइट सॉस और रेड सॉस डाला है, उसके कॉम्बिनेशन से ये पिंक सॉस पास्ता बहुत ही रिच, क्रीमी और स्पाइसी बनेगा। पास्ता और ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आपने पास्ता को ज़्यादा कुक किया होगा तो यहाँ पर ये पास्ता टूट जाएगा। मैंने पास्ता को अच्छे से कुक कर लिया था, इसलिए यहाँ पर पास्ता नहीं टूटा है। लीजिए, यहाँ पर हमारे पिंक सॉस पास्ता बनके रेडी हो गया है। इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो कैसी लगी आपको ये पिंक सॉस पास्ता की रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।